पपीते कैसे लगे हुए हैं देखो, ये देखो सबसे बड़े बड़े। लीजिए अपनी सब्जी आ गई है, काजू कड़ी, काजू की सब्जी है, काजू कड़ी। काजू कड़ी के साथ खाएंगे आज ये अपना सलाद और चटनी। होटल बहुत बड़ा। जिस रोड में दोस्तों आए हैं, ऐसा रोड आता है बीच में डाइवर्शन कि गाड़ी स्लो हो जाती है, और यहाँ से तो फिर पीछे से कोई भी माल उतार सकता है अपने शक्कर का बोरे। ये चने की खेती है, चना बोया हुआ है, बहुत चने की खेती बहुत होती है और गन्ने की खेती, और इसीलिए हम वहाँ सो गए थे रात में, क्योंकि माल चोरी हो जाता है तो फिर सीधा उतने तो बचेंगे नहीं जितने काट लेगा व्यापारी। व्हाट ए लवली गुड मॉर्निंग। देखो पूरा नजारा, ओ देखो किश्ती में जा रहा है बंदा। ये नज़ारा तो पूरा क्या कहना है इसका। ये देखो किश्ती पे मछली पकड़ रहा है, ये देखो सुबह का टाइम है, 7 बजे है। लीजिए दोस्तों परतूर पहुंच गए हैं, तो अब नाश्ता करेंगे परतूर में और चाय पी के फिर निकलेंगे। खिचड़ी अपनी आ गई, खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी है ये, इसको इधर खिचड़ी बोलते हैं। खाते हैं, क्या करना, पोहा नहीं है यहाँ, पोहे को टाइम लगेगा। भजिया भी आ गया अपना, भजिया खाएंगे, टेस्टी टेस्टी। गाड़ी के नीचे घुसे हुए हैं, ये होता ब्रेक का रिचड़, सही ढंग से काम नहीं कर रहा और ब्रेक ज़्यादा पकड़ रही है। इसको डाउन करेंगे, नीचे घुसे हुए हैं गाड़ी के। अगर ब्रेक सेट करनी हो तो पहले यहाँ डाल के गेज, जैसे मैंने चक्कू डाला हुआ है, इस नट को टाइट कर दो और इसमें ये डाल दो, और फिर दो चूड़ी यानी कि ढीला कर दो, ब्रेक मिल जाएगी। दोस्तों मंठा आ गए हैं, लोनार घाट से पीछे ही हैं, तो डीजल डलवाना था, डलवा लिया है। तो थोड़ा रैचड़ एग्जाम कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिए, तो ब्रेक ज़्यादा लग रही थी, पूरा जाम कर दे रहा था चक्का, तो उसको डाउन कर दिए। अब देखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। एक जगह रुके हैं यहाँ चाय पीने के लिए, दिखाता हूँ आपको। घाट से पहले पपीते का खेत लगा हुआ पूरा। इस चक्के में से पूरी आग निकल रही थी, धुआं ही निकल रहा था, देखते हैं। होटल है यहाँ पे, ओ पपीते लगे हुए हैं। गाड़ी अपनी का बैरिंग चला गया है, चाय पी के देखते हैं बैरिंग डालेंगे। मंठा आए हैं गाइस मिस्त्री साहब को लेने, मोबिन मोटर गैरेज। अब यहाँ से मिस्त्री लेके जाएंगे, फिर होगा अपना काम गाड़ी का। ये स्पेयर पार्ट दुकान है यहाँ छोटी सी। भैया से लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ, थैंक यू भैया। ये फर्क है, ये देखो इसमें उंगली भी नहीं जा रही, और इसमें देखो फर्क, और इसमें देखो। ये देखिए गाइस पपीते का खेत, ये देखिए जानवरों ने खा खा के ऐसे फेंक देते हैं, ये देखो पपीते ही पपीते, पपीते के खेत में है आज। ये बड़े बड़े लगे हुए हैं,
ये पके हुए भी है, ये देखिए, ये देखिए, ये गिर जाते हैं नीचे के पपीते कैसे लगे हुए हैं। देखो ये देखो, सबसे बड़े बड़े ये देखिए, ये देखो पूरे पेड़ ऐसे ही भरे रहते हैं। ये देखो गिर भी जाते हैं नीचे, पक के पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं ऐसे। ये देखो ये नीचे गिरे हुए, देखो ऐसे गाइस रख के सेल करते हैं पपीते। और यहीं पे इन्होंने गन्ने के रस का सेटअप लगाया हुआ, ये देखिए गन्ने का रस। ये पीछे गन्ने के खेत भी हैं वैसे, लेकिन खेत से लेके आते हैं। ये पेड़ पे पता नहीं क्या अजीब तरह का फल लगता है, ये देखो ये ऊपर लगता है, खाने के काम तो नहीं आता, लेकिन ये पूरा ऐसे ही लगा रहता है इस पे। पेड़ के नीचे छांव मस्त है। और पानी का जुगाड़ देखो, ऐसे रखते हैं महाराष्ट्र में पानी इसी में जार में। ये देखिए ऐसे इनमें भर के रखते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। लो जी गाइस, अपने मिस्त्री आ चुके हैं और ये देखिए कैसा हाल हुआ पड़ा है, पूरी ग्रीस इसमें देख लो। ये देखिए अब करते हैं काम, जल्दी से निपटाते हैं इसको और फिर देखते हैं। सल निकाल लिए और ग्रीस तो पूरी बन चुकी है पानी। तो फाइनली गाइस अपना काम हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से, अब निकला जाए। शाम की चाय यहीं पे ख़राब हुई थी गाड़ी अपनी, ये सामने जो होटल है। चाय पी के अब निकलते हैं, पपीते तो नहीं खाने, किसी ने खाना है पपीता तो कमेंट करो। पूरे पपीते ही पपीते पूरे खेत। लीजिए दोस्तों, सारा दिन परेशान होने के बाद मालेगांव आ गए हैं, कैथल जींद ढाबा पे। अब यहाँ खाना खाएंगे, सुबह से रोटी नहीं खाई, देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ, पूरा ढाबा ऐसे ही भरा रहता है। ये देखिए लीजिए अपनी सब्जी आ गई है, काजू कड़ी, काजू की सब्जी है, काजू कड़ी, काजू कड़ी के साथ खाएंगे आज। ये अपना सलाद और चटनी, होटल बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया होटल है। रोटी को भी दोस्तों घी लगा के देते हैं, देखो तवे की रोटी घी लगी हुई। अब चालू करते हैं, अब
बहुत टेस्टी सब्जी है, बहुत टेस्टी। ये है दोस्तों काजू डाले होते हैं ऐसे, काजू कड़ी में काजू भी डालते हैं। लीजिए दोस्तों खाना पीना खा के एक डेढ़ घंटा आराम कर लिया यहाँ, तो अब चलते हैं सफ़र निकालते हैं। सफ़र भी बचा हुआ अभी, क्योंकि दिन में तो काम निकल गया था गाड़ी में, गाड़ी का काम कुम करवाते शाम पड़ गई थी, तो अब चलते हैं धीरे धीरे, तो कहीं आके सुबह सो लेंगे दो घंटा, तो चलते हैं। तो यही ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भाई नए हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड गुड नाइट क्या, अब तो गुड मॉर्निंग हो गई है, बाय बाय। चंदा मामा भी निकले आज, चंदा मामा, इन्हें मामा बना ही रखते सारे।